सनातन धर्म को एक नेता खत्म करने की बात कह रहा है। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सनातन क्या है? दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन, और हिंदुस्तान के करीब 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं। उनकी आस्था सनातन में है, उनका आराध्य सनातन है, उनका धर्म सनातन है, और उनके रोम रोम में सनातन बसा हुआ है। और इसी सनातन धर्म को एक नेता खत्म करने की बात कह रहा है। एक नेता ने सनातन धर्म को बीमारी कहा है, और कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी कहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये नेता और कोई नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी कहा है और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டு அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. தரசல் 2 செப்டம்பர் கோ உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு கே ஏக் சமாரோ மே கயே ஜஹா பர் सनातन धर्म के अंत करने की बात कही गई। वहां पर उन्होंने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को बीमारी कहा और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। उन्होंने अपना बयान तमिल भाषा में दिया जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। वैसे तो ये बयान दक्षिण से आया है, लेकिन इसे सुनकर पूरा उत्तर भारत उबल गया है। 2024 के इलेक्शन का टेम्परेचर नापा जाने लगा है। सनातन के अपमान से आने वाली सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है? इस सनातन विरोधी बयान के पीछे आने वाली सियासत की कोई रणनीति तैयार की जा रही है? क्या नॉर्थ साउथ की विभाजनकारी सियासत की कोई रणनीति तैयार की जा रही है? सच क्या है? आखिर उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में हड़कंप मच गया? और अमित शाह का इस बयान पर पलटवार क्या है? ये पूरी न्यूज, ये पूरी वीडियो इस रिपोर्ट में देखें। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज डेस्क। धन्यवाद। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரணமாகும். अभी इंडिया अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, सत्ता आपको चाहिए मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप
इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है।